पीडीएम में बढ़ते इख्तिलाफात का मामला, अपोजिशन इतिहाद के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान जाती उमरा पहुंच गए। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज, मरकजी रहनुमा हमजा शहबाज से मुलाकात। पीडीएम के मुस्तकबिल के हवाले से मुशावरत और मुल्क की सियासी सूरत हाल, ईद के बाद लॉन्ग मार्च के हवाले से भी तबादला ख्याल। आमरियत के दौर में तरक्की होती तो दुनिया भर में यही निजाम होता। मरियम नवाज इंतकामी कार्रवाइयों से घबराने वाली नहीं, 26 मार्च को नैब में पेश होंगी। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर की लाहौर में यूथ विंग कन्वेंशन के इंतजाम का जायजा लेते हुए गुफ्तगू, कहा नौजवान पीडीएम के धरने में 3 माह बैठेंगे। हलीम आदिल शेख बहादुरी से मुश्किलात बर्दाश्त कर रहे हैं। सिंध हुकूमत का किरदार बुरी तरह बेनकाब हो चुका। हलीम आदिल शेख सिंध के पिसे हुए तबके की आवाज बने, जो हक के लिए खड़े होते हैं उन पर मुश्किलात आती हैं। मामले खसूसी बराए वजीर आला पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। मुझे नहीं लगता यूसुफ रजा गिलानी को अदालतों से रिलीफ मिलेगा। हलीम आदिल के मामले पर आईजी ने जुल्म किया, मजबूरन तब्दील करना पड़ा। मुश्ताक महर अपनी जिम्मेदारियां निभाते तो नौबत यहां तक नहीं आती। एनए 249 में टिकट देने पर पार्टी का फैसला मुकदम है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की मीडिया से गुफ्तगू। डाउन सिंड्रोम के मर्ज में मुब्तला बच्चे माशरे की खसूसी तवज्जो के मुस्तहिक हैं। आगाही के लिए मौसर अंदाज में मुहिम चलाने की जरूरत है। खसूसी बच्चों की निगहदाश्त, मौसर इलाज के लिए मरबूत निजाम का होना जरूरी है। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुजदार का डाउन सिंड्रोम के मर्ज से आगाही के आलमी दिन के मौके पर पैगाम। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने भारत में मंदिर से पानी पीने वाले मुसलमान बच्चे पर तशद्दुद की वीडियो शेयर कर दी। भारत मुकम्मल तौर पर तासुब पसंद हिंदुओं का मुल्क बन चुका है। मोदी आरएसएस के दहशतगर्दों की सरपरस्ती कर रहा है। भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस भी इंतहा पसंद दहशतगर्दों की हिमायती है, चौधरी मोहम्मद सरवर का ट्वीट। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 44 अफराद जान बहक, अमवात की मजमूई तादाद 13,843 हो गई है। 24 घंटों के दौरान 6,666 नए केसेज रिपोर्ट हुए। मरीजों की मजमूई तादाद 5,81,852 हो गई। एक्टिव केसेज की तादाद 31,107 है, जिनमें से 2,900 मरीजों की हालत तश्वीशनाक है। इस्लामाबाद में कोरोना एसओपीज के खिलाफ वर्जी पर क्रैकडाउन, 1 लाख से जायद का जुर्माना, 2 माह की सील और 660 दुकानें बंद करवा दी गईं। एनसीओसी की हिदायत पर अमल को यकीनी बनाने के लिए इंतजामिया ने 52 स्कूलों और 28 मसाजिद का भी मुआयना किया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बूंदाबांदी खनकी बढ़ गई। शहरों पर कीचड़ होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। फैमिलीज ने सुहाने मौसम से लुत्फानंदोज होने के लिए पार्क का रुख कर लिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का मौजूदा सिलसिला 3 रोज तक जारी रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर स्टूडियो से मैं हूं सोनिया शेख। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, खबरों का बाकायदा आगाज करते हैं और आपको बताते हैं कि पीडीएम में बढ़ते इख्तलाफात का मामला, अपोजिशन इतिहाद के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान जाती उमरा पहुंच गए। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज और मरकजी रहनुमा हमजा शहबाज से मुलाकात। पीडीएम के मुस्तकबिल के हवाले से मुशावरत। मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल, ईद के बाद लॉन्ग मार्च के हवाले से भी तबादला ख्याल। मौलाना और मरियम की मुलाकात में नून लीग के दीगर सीनियर रहनुमा भी शरीक हुए। मुस्लिम लीग नून यूथ विंग के सदर कैप्टन रिटायर्ड सफदर का कहना है कि आमरियत के दौर में तरक्की होती
तो दुनिया भर में यही निजाम होता। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर ने लाहौर में यूथ विंग कन्वेंशन के इंतजाम का जायजा लिया और मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि मरियम नवाज इंतकामी कार्रवाइयों से घबराने वाली नहीं, 26 मार्च को नैब में पेश होंगी। कैप्टन रिटायर्ड सफदर का मजीद कहना था कि नैब सियासी इंतकाम का इदारा है, मरियम से जाती अनाद की बुनियाद पर सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। एक सवाल के जवाब में रहनुमा मुस्लिम लीग नून का कहना था कि सियासतदान पर अंडे और स्याही फेंकने का कल्चर अच्छा नहीं है। नौजवान पीडीएम के धरने में 3 माह बैठेंगे और ईद उल अजहा भी डी चौक इस्लामाबाद में ही मनाएंगे। जो पीडीएम की ट्रेन में नहीं बैठेगा वो पछताएगा। हलीम आदिल शेख बहादुरी से मुश्किलात बर्दाश्त कर रहे हैं। सिंध हुकूमत का किरदार बुरी तरह बेनकाब हो चुका। हलीम आदिल शेख सिंध के पिसे हुए तबके की आवाज बने जो हक के लिए खड़े होते हैं। इन पर मुश्किलात आती हैं। मामले खसूसी बराए वजीर आला पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी ने मीडिया की स्क्रीन पर अदाकारी की। पीडीएम का असल मकसद लूट खसोट और करप्शन है। आप हलीम आदिल पर मनपसंद मुकदमात बनाकर अपनी करप्शन नहीं छुपा सकते। ऐसे कौन से ताकतवर चूहे हैं जो सिंध में 40 अरब की गंदम खाते हैं। सिंध हुकूमत की कहानी सुने तो अजीब कहानी सुनने में आती है। पीपल्स पार्टी ने इक्तदार के हुसूल के लिए जमहूरियत का चेहरा पेश किया। हमारे किसी लीडर के पापड़ी वाले, छाबड़ी वाले, फालूदे वाले के अकाउंट नहीं। जमहूरियत के दावेदारों ने सिंध में ऑपोजिशन को दीवार से लगाया। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गैलानी से मुतालिक कहना है कि मुझे नहीं लगता कि यूसुफ रजा गैलानी को अदालतों से रिलीफ मिलेगा। एनए 249 में टिकट देने पर पार्टी का जो फैसला है वो मुकदम है। इमरान इस्माइल ने मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा कि सैनेट चेयरमैन का मुकाबला जबरदस्त था। हलीम आदिल के मामले पर आईजी ने जुल्म किया है, मजबूरन इन्हें तब्दील करने का मुतालबा किया गया। आईजी सिंध मुश्ताक महर अपनी जिम्मेदारियां निभाते तो नौबत यहां तक नहीं पहुंचती। अस्पताल वफाकी मलकियत है, वफाक ही चलाएगा। ये 3 अस्पताल जल्द बेहतर होंगे। एनए 249 में टिकट देने पर पार्टी का फैसला मुकदम है। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुजदार ने कहा है कि डाउन सिंड्रोम के मर्ज का शिकार बच्चों को मुआशरे का मुफीद शहरी बनाने के लिए तसलसल के साथ इकदाम करना होंगे। खुसूसी बच्चों को तालीम और तरबियत से आरास्ता करके इन्हें मुआशरे का मुफीद शहरी बनाया जा सकता है। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुजदार ने डाउन सिंड्रोम के मर्ज से आगाही के आलमी दिन के मौके पर पैगाम में कहा कि डाउन सिंड्रोम के मर्ज में मुबतला बच्चे मुआशरे की खुसूसी तवज्जो के मुस्तहिक हैं। डाउन सिंड्रोम के मर्ज से आगाही के लिए मौसर अंदाज में मुहिम चलाने की जरूरत है। डाउन सिंड्रोम का शिकार बच्चे कौम के बच्चे हैं। उस्मान बुजदार ने कहा कि डाउन सिंड्रोम खुसूसी बच्चों की निगहदाश्त और मौसर इलाज के लिए मरबूत निजाम का होना इंतहाई जरूरी है। खुसूसी बच्चों को तालीम और तरबियत से आरास्ता करके इन्हें माशरे का मुफीद शहरी बनाया जा सकता है। ये दिन मनाने का मकसद डाउन सिंड्रोम का शिकार बच्चों के माशरी और समाजी हकूक से मुतालिक लोगों में आगाही पैदा करना है। आज हमें डाउन सिंड्रोम में मुबतला खुसूसी बच्चों की निगहदाश्त और इलाज मुआलजे के लिए काम करने के आज़्म का इआदा भी करना है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने भारत में मंदिर से पानी पीने वाले मुसलमान बच्चे पर तशद्दुद की वीडियो शेयर कर दी। चौधरी मोहम्मद सरवर कहते हैं कि भारत मुकम्मल तौर पर तासुब पसंद हिंदुओं का मुल्क बन चुका है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने अपने ट्वीट में कहा कि मोदी आरएसएस के दहशतगर्दों की सरपरस्ती कर रहा है। भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस भी इंतहा पसंद दहशतगर्दों की हिमायती हैं। मुसलमान होना भारत में आज एक जुर्म बन चुका है। भारत में इंसानी हकूक के कत्ल पर आलमी इदारे खामोशी इख्तियार कर बैठे हैं। अकलियतों के लिए भारत दुनिया का खतरनाक तरीन मुल्क बन चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा को भारत में अकलियतों के साथ मुजालिम का नोटिस लेना चाहिए। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 44 अफराद जान बहक। अमवात की मजमुई तादाद 13,843 तक पहुंच गई है। गुज़श्ता रोज 3,666 नए केसेज रिपोर्ट हुए। मरीजों की मजमुई तादाद 5,81,852 हो गई है। कोरोना के वार जारी हैं। बेरहम वायरस मजीद 44 अफराद को निगल गया।
24 घंटे के दौरान 41,960 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 3,667 में वायरस पाया गया। मुल्क भर में कोरोना एक्टिव केसेस की तादाद 31,107 है, जिनमें से 2,900 मरीजों की हालत तश्वीशनाक है। 24 घंटे में कोरोना के 2,092 मरीज सेहतयाब, जबकि मजमुई तादाद 5,81,852 हो गई है। एनसीओसी के अदाद शुमार के मुताबिक पंजाब में 1,97,177, सिंध में 2,63,056 केसेस और खैबर पख्तूनख्वा में 79,245, बलूचिस्तान में 19,327 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, इस्लामाबाद में 51,414 और गिलगित बल्तिस्तान में 4,972 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इस्लामाबाद में कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर क्रैकडाउन, खिलाफ वर्जी करने वालों को 1,00,000 रुपए से जायद का जुर्माना किया गया। मार्केट सील कर दी गई, 660 दुकानें बंद करवा दी गई। इंतजामिया के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में 7 रेस्टोरेंट्स को सील किया गया, 660 दुकानों को एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर बंद करा दिया गया। एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर 2 मार्केट्स को भी सील कर दिया गया हो और एनसीओसी की हिदायत पर अमल को यकीनी बनाने के लिए इंतजामिया ने 52 स्कूलों और 28 मसाजिद का भी मुआयना किया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बूंदाबांदी और सर्द हवाएं चलने से खनकी बढ़ गई है। सूबाई दारुल हुकूमत के इलाकों एबटाबाद, लक्ष्मी चौक, डेवस रोड, गढ़ी शाहू में हल्की बारिश हुई। अनारकली, माल रोड, जेल रोड, गुलबर्ग, जौहर टाउन, फिरोजपुर रोड, ठोकर और इस्लामपुरा में बूंदाबांदी और ठंडी हवाएं चलने से खनकी लौट आई है। पंजाब के दीगर शहरों मियां चन्नू, चिश्तियां, रिनाला खुर्द, जंग, शोरकोट, अहमदपुर शिरकिया समेत इलाकों में भी बारिश से दर्जा हरारत गिर गया है। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि बारिश का मौजूदा सिलसिला 3 रोज तक जारी रहेगा। बारिश का यह सिस्टम 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा, जिसकी शिद्दत शमाली और मगरबी इलाकों में मौसलाधार, पंजाब मुआतदल से तेज और सिंध बलोचिस्तान में मुआतल होगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर शहर में कम से कम दर्जा हरारत 17 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। शहर में हवा 7 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलेगी, जबकि हवा में नमी का तनासुब 64% रिकॉर्ड किया जाएगा। सूबाई वजीर औकाफ और मजहबी अमूर सैयद सईदुल हसन शाह का दौरा दुबई। सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ख्वाजा आसिफ कलीम, नायब सदर मोहम्मद नवाज जदून और पाकिस्तानी कम्युनिटी की मुलाकात। पाकिस्तान में ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानिब से सरमायाकारी के फिरोग के हवाले से गुफ्तगू की गई। सूबाई वजीर औकाफ और मजहबी अमूर सैयद सईदुल हसन शाह का कहना था कि मुतहदा अरब इमारात की काबिल रिश्क तरक्की, इंफ्रास्ट्रक्चर और कसीरुल जोहती प्रोजेक्ट की तकमील में ओवरसीज पाकिस्तानियों की खिदमात किसी तारुफ की मोहताज नहीं। उन्होंने कहा कि वजीर आजम इमरान खान के विजन के मुताबिक समुंदर पार पाकिस्तान नी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों की सही मायनों में खिदमात ही हमारा मिशन है। ओवरसीज पाकिस्तानी हर साल एक कसीर जर मुबादला पाकिस्तान भेजकर मुल्क की मोयशियत के इस्तेहकाम में किरदार अदा कर रहे हैं। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुजदार की खसूसी हिदायत पर ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जा रहा है। बैरून मुल्क बसने वाले पाकिस्तानी हमारा कीमती असासा है। मुल्क की मोयशियत के फरोग में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के किरदार को फरामोश नहीं किया जा सकता। जिला इंतजामिया, पुलिस और दीगर महकमा जात ओवरसीज पाकिस्तानियों की शिकायत को संजीदगी के साथ हल कर रहे हैं। ओवरसीज कम्युनिटी पाकिस्तान और अहले पाकिस्तान के लिए अहम रोल है। मुल्की मामलात में इनके किरदार और मामलात को फरामोश नहीं किया जा सकता। ये कम्युनिटी हर मुश्किल घड़ी में अपने हमवतनों और हुकूमत पाकिस्तान के साथ खड़ी है। ओवरसीज पाकिस्तानियों की फलाह व बहबूद और मसाइल के हल के जिमन में कमीशन की कारकर्दगी, नुमाया आदाद और दीगर अमूर के बारे में तफसीली आगाही दी गई।
डिप्टी कमिश्नर लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए मुतहरिक हो गए। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 63 दुकानें और स्टोर्स को सील कर दिया गया। मैरिज हॉल्स 37,000 रुपए जुर्माने आयद किए गए। इस पर डिप्टी कमिश्नर लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक का कहना था कि असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार मंसूर काजी ने 3 मैरिज हॉल्स 13 दुकानों और स्टोर्स को सील 6 दुकानों और स्टोर्स को 37,000 रुपए जुर्माना आयद किया। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी फैजान अहमद ने 8 दुकानों और स्टोर्स 3 रेस्टोरेंट्स और 13 मैरिज हॉल्स को सील किया। असिस्टेंट कमिश्नर कैंट जिशान नसरुल्ला रांझा ने 13 दुकानों और स्टोर्स को सील किया। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं, लाहौर से अपडेट दे रहे हैं आपको। डिप्टी कमिश्नर लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर्स कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए मुतहरिक हो गए। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 63 दुकानों और स्टोर्स और मैरिज हॉल्स को सील कर दिया गया। 37,000 रुपए जुर्माना आयद। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक का कहना था कि असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार मंसूर काजी ने 3 मैरिज हॉल्स 13 दुकानों और स्टोर्स को सील किया। 6 दुकानों और स्टोर्स को भी सील कर दिया। 37,000 रुपए जुर्माना आयद किया। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी फैजान अहमद ने 8 दुकानों स्टोर्स और 3 रेस्टोरेंट्स और 13 मैरिज हॉल्स को सील किया। असिस्टेंट कमिश्नर कैंट जिशान नसरुल्ला रांझा ने 13 दुकानों और स्टोर्स को सील किया। भारत में किसानों का एहतजाज जारी है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में काश्तकारों के जलसे जारी हैं। गुरदासपुर में होने वाले जलसे में 3 सूबों के कारकुनों ने शिरकत की। रहनुमाओं का कहना है कि किसान, मजदूर और नौजवान की नई पार्टी बनाई जाएगी। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में काश्तकारों के जलसे जारी हैं। रहनुमाओं का कहना है कि किसानों ने देश के लिए सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी हैं, इन्हें ही गद्दार कहा जा रहा है। साथ ही साथ किसान, मजदूर और नौजवान की नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया गया। दौरा जनूबी अफ्रीका से पहले ही कौमी क्रिकेटर्स आज मुकम्मल आराम करेंगे। कल इंटर स्क्वाड प्रैक्टिस मैच खेलेंगे। शाहीन 26 मार्च को प्रोटीन्स के 10 उड़ान भरेंगे और फील्डिंग और विकेट कीपिंग पर भी खसूसी तवज्जो मरकूज की जाएगी। कजाफी स्टेडियम लाहौर में कौमी क्रिकेटर्स का मेला सज गया। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के लिए तैयारियों में पहला मुकम्मल रेस्ट। खिलाड़ी होटल के बायोसिक्योर बबल में बंद रहेंगे। कल सुबह 9:30 बजे 50 ओवर का इंटर स्क्वाड प्रैक्टिस मैच शेड्यूल। टारगेट सेट करके बॉलिंग और बैटिंग की ट्रेनिंग होगी। फील्डिंग और विकेट कीपिंग पर भी खसूसी तवज्जो मरकूज की जाएगी। इससे पहले हफ्ते को तमाम खिलाड़ी कोरोना SOPs के तहत दूसरे रोज इन एक्शन हुए। हेड कोच मिसबाउल हक समय स्पोर्ट्स स्टाफ की जेर निगरानी बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग में जान मारी। मोहम्मद रिजवान ने विकेट कीपिंग की और महारतें भी दिखाई। मजीद फुर्तियां लाने और गुड सीखने के लिए इन एक्शन हुए। कौमी शाहीन वनडे और T20 मैचेस की सीरीज के लिए 26 मार्च को चार्टर्ड तैयारे के जरिए जनूबी अफ्रीका रवाना होंगे, जबकि मुकाबलों का आगाज 2 अप्रैल से होगा। पाकिस्तान की मारूफ गुलुकारा आयमा बेग ने अदाकार और मॉडल शहबाज शगरी से मंगनी कर ली है। गुज़श्ता रोज आयमा बेग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम के अपने तस्दीकशुदा अकाउंट पर अंगूठी पहने हाथ की तस्वीर शेयर करते हुए मद्दाहों को शहबाज शगरी के साथ मंगनी की इतला दी। आयमा बेग की पोस्ट पर मद्दाहों की जानिब से पसंदीदगी का इजहार करते हुए इन्हें मुबारकबाद दी जा रही है। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तानी गुलुकार आयमा बेग और मॉडल शहबाज शगरी की दोस्ती के चर्चे कई अरसे से जुबान ज़दे आम है, जबकि मॉडल और अदाकार शहबाज शगरी गुज़श्ता बरस इंस्टाग्राम पर शेयर की गई आयमा बेग की तस्वीर के कैप्शन में भी आयमा के लिए बेटर हाफ की इस्तलाह इस्तेमाल कर चुके हैं। ख्याल रहे कि अदाकार शहबाज शगरी की पहली शादी अदाकारा आयशा लेनिया से हुई थी, ताहम June 2018 में दोनों के दरमियान तलाक हो गई थी। बाहिम्मत शख्स समुद्र में रास्ता भटक कर 13 माह तक समुद्र की लहरों पर डोलता रहा और खुद को जिंदा रखने में कामयाब रहा।
35 साल जोस अस्वाल्डो 17 नवंबर 2012 को एक नौजवान साथी एस्कोएल क्वाडोबा के साथ मछलियों के शिकार के लिए जनूबी मेक्सिको के एक गांव से बहरुल काहिल से रवाना हुआ, मगर सफर के आगाज पर चंद घंटों बाद ही तूफान का सामना हुआ जो 7 दिन तक इनकी कश्ती को धकेलता रहा और वो अपने रास्ते से भटक गए। और इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।